हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो मेडी नॉलेज फार्मेसी। फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। IMC एलो हर्बल जेल के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, उसके वर्क प्रोफाइल के ऊपर बात करेंगे, कैसे यूज है उसके और कैसे बेनिफिट्स है उसके, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। IMC एलो हर्बल जेल स्किन केयर जेल है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन हर्बल प्राइवेट लिमिटेड और मार्केटिंग करती है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी। अब बात कर जेल के बारे में, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? एक्टिव इंग्रेडिएंट्स उसमें पाए जाते हैं, पहला है घृत कुमारी, दूसरा है एलोबार्बाडेंसिस, तीसरा है करक्यूमा लौंगा, चौथा है केसर और पांचवा है हल्दी एक्सट्रैक्ट। तो इस प्रकार के इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं वर्क प्रोफाइल के साथ, बात करते हैं एलो जेल के वर्क प्रोफाइल के बारे में। काम कैसे करता है? IMC एलो जेल आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होके आपकी स्किन लेयर को प्रोटेक्ट करते हुए, आपकी स्किन पिगमेंटेशन को प्रोटेक्ट करते हुए आपकी स्किन के अंदर की इन्फेक्शंस को निकालती है, साथ ही साथ गंदगी साफ करती है, गंदगी को बाहर निकालती है नेचुरल तरीके के साथ में। तो कुछ इस प्रकार से इसकी वर्क प्रोफाइल है। आपकी स्किन को बिना डैमेज करे, बिना स्किन लेयर को कम करे, बिना पिगमेंटेशंस को इरिटेट करे, आपकी स्किन को डैमेज नहीं करते हुए ये नेचुरल तरीके से आपकी स्किन की इन्फेक्शंस और गंदगी को साफ करती है। अब बात करते हैं IMC एलो जेल के बेनिफिट्स के बारे में। बेनिफिट्स क्या क्या है? पिंपल में बेनिफिशियल, रिंकल्स में बेनिफिशियल, डार्क सर्कल में बेनिफिशियल है। डार्क सर्कल तो आजकल हर किसी को होता है, तो उसमें बेनिफिशियल है। साथ ही साथ वाउंड इन्फेक्शन में बेनिफिशियल है। जख्म हो जाए आप अप्लाई कीजिए, वाउंड इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, वाउंड बैठ जाएगा। साथ ही साथ सोराइसिस में बेनिफिशियल है, एक्जिमा में बेनिफिशियल है, फंगल इन्फेक्शन में बेनिफिशियल है, सन बर्न्स में बेनिफिशियल है। दिस इज सन बर्न्स हो, मतलब आप मार्केट की कोई भी स्किन क्रीम यूज करते हो उससे चेहरे की जो लेयर होती है वो घट जाती है। चेहरे की लेयर घटने के बाद में आपकी जो नॉर्मल स्किन होती है वो घटने के बाद नई लेयर जो आती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, और जैसे ही आप सन कॉन्टेक्ट में आते हो तो वो जलती है, उसको सन बर्न्स कहते हैं। तो उसमें भी बेनिफिशियल्स है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है सन की रेस से, अल्ट्रावायलेट रेस से। साथ ही साथ बच्चों की नैपी, आप जो डायपर पहनाते हो उसके जो रैशेस आते हैं रैशेस में भी बेनिफिशियल्स है, और स्ट्रेच मार्क्स में भी बेनिफिशियल्स है। तो इतने सारे इसके बेनिफिशियल्स है। अब बात करते हैं इसको यूज करने की, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। आपको बता देता हूँ, इसको इस्तेमाल करने का बहुत सिंपल तरीका है। आप इसे मॉर्निंग में भी इस्तेमाल कर सकते हो नहाने के बाद में, साथ ही साथ दोपहर में भी लगा सकते हो, कोई नुकसान नहीं है, और इवनिंग में भी लगा सकते हो, सोने के पहले भी लगा सकते हो एक घंटा पहले, और रात पर अगर आप लगा के रखते हो तो कोई नुकसान नहीं है, बेनिफिशियल है। चेहरा सॉफ्ट और मॉइस्चराइज रहेगा, ड्राई नहीं होने देगा। और आपको ये प्रोडक्ट आपके रेसिडेंटल लोकेशन में आपको मिल जाएगा बड़े आसानी से। IMC एलो हर्बल जेल को आपके रेसिडेंटल लोकेशन में इंडिया के किसी भी स्टोर लोकेटर से या फिर आउटलेट से आप इसे परचेस। और साथ ही साथ आपका कोई अगर डाउट है, आपको अगर किसी मेडिसिन रिलेटेड टॉपिक पर अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आपके रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी, आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ मैंने इसके पहले बहुत सारी वीडियोस डाली है IMC के प्रोडक्ट के बारे में, लिव केयर बेनिफिट्स के बारे में। तो आप अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप जाइए प्लीज़ देखिए, और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ मेडी नॉलेज फार्मेसी के साथ जुड़े रहिए। तो आज के लिए विदा लेता हूँ, बाय।